मुनेंद्र कुमार वर्मा वो व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत दूध के व्यवसाय से की, परंतु जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप का हाथ थामा तो अपने आप को डायमंड लीडर के लेवल तक पहुंचाया और इसी सेफ शॉप की राह पर ले आए अपनी अगली पीढ़ी को। वो समझ चुके थे ये वो व्यवसाय है जो लोगों की जिंदगी को बदल देगा और इसकी शुरुआत की अपने परिवार से। इस सेफ शॉप की विरासत को अपने पुत्र को दिया। पर दोस्तों, धन विरासत में मिल सकता है पर पहचान अपने दम पर बनानी होती है। वो पहचान है डायमंड लीडर की। इस सेफ शॉप की डायमंड शिप को अचीव किया मुनेंद्र वर्मा के पुत्र राहुल वर्मा ने, सेफ शॉप के डायमंड लीडर बनकर। मुनेंद्र वर्मा के दूसरे पुत्र राहुल वर्मा का जन्म 10/8/1994 को हुआ। पिता मुनेंद्र दूध का व्यवसाय करते और मां शारदा वर्मा घर को संभालती। बड़े भाई और छोटी बहन शिवानी के साथ जिंदगी नगलापदी आगरा से शुरू हुई। 1 से 5 तक की शिक्षा संत गाड़गे इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई, पर पिता को दूध के व्यवसाय में नुकसान हुआ और आय का साधन खत्म हो गया, जिससे कर्जा बढ़ गया तो मजबूरी में आगरा को छोड़ना पड़ा। फिरोजाबाद आ गए, जहां बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब राहुल की पढ़ाई अधूरी थी पर घर के हालात सही नहीं थे, तो एक मामा ने सेवार्थ स्कूल के बारे में बताया जहां शिक्षा निशुल्क थी। वो रामपुर में था। माता पिता ने निश्चय किया और राहुल और उनके भाई को राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज रामपुर भेज दिया। अब यहीं पर रहना और यहीं पर पढ़ना था। पर जब भी छुट्टी में राहुल घर आते और अपने माता पिता और परिवार की हालत को देखते तो राहुल कुछ ना कुछ करने का सोचते जिससे अपने परिवार की मदद कर सकें। फिरोजाबाद में चूड़ियों का ही काम होता था, वहां पर चूड़ी जोड़ने का काम करते। कभी दुकान पर छोटा मोटा काम मिल जाता उसे भी कर लेते अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 12वीं पास की और वापस पिता के पास आ गए। पिता ने भी नए व्यवसाय में हाथ डाल दिया था तो वापस आगरा आकर रहने लगे। बीए और एमए करने के लिए पंडित मनीष शर्मा डिग्री कॉलेज में राहुल का दाखिला करवा दिया गया। 2 साल गुजर गए थे। पिता को समझ आ चुका था कि व्यवसाय को करना क्यों जरूरी है, तो उन्होंने अपने बच्चों को सेफ शॉप ज्वाइन करवा दिया। अब राहुल भी सेफ शॉप ज्वाइन कर चुके थे पर ज्ञान नहीं था और उम्र कम थी, तो माधव सर से मुलाकात हुई और उनसे इतने प्रभावित हुए कि सेफ शॉप करने का मन बना लिया। सेफ शॉप विरासत में मिल तो गई पर काम करना बहुत मुश्किल था। तो बढ़ा है आखिरी सामना, तेरे जिस्म का लहू बहना तो बाकी है, मर भी गए तो क्या हुआ, मिटना तो बाकी है। तू सहमेगा, बिखरेगा, फिर
जब भी लोगों से मिलते उन्हें सरकारी नौकरी की सलाह दे देते। इसी कारण राहुल का हौसला टूटने लगा था, मन डरने लगा था। डर इतना हावी हुआ कि काम करना बंद कर दिया। अपनी आंखों में शराफत के उजाले रखना बड़ी मुश्किल है, विरासत को संभाले रखना। राहुल को समझ आ चुका था कि विरासत को संभालना बहुत मुश्किल है, पर जब पिता को डायमंड शिप अचीव करते हुए देखा तो समझ आ गया कि इस बिजनेस की क्या पावर है। तो माधव सर की ट्रेनिंग को समझा और वहीं से अपने आप को ट्रेनिंग लेना शुरू करवाया। रोज ट्रेनिंग लेना दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। धीरे धीरे विजयपाल सर ने राहुल को और डेवलप किया और साथ आए शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने राहुल का हर वक्त साथ दिया, मार्गदर्शक बन उनके साथ खड़े रहे। लेके हाथों में जलती मझाल आग भरता जरे, कदमों की धूल से बभंडर बना के आगे बढ़ता जरे। अपनी टीम को बनाने में आसानी होने लगी, जिससे राहुल अपनी टीम के साथ काम करने में लगे रहे और टीम ने उनके लेवल को अचीव करवाया। सिल्वर, गोल्ड, टोपाज, रूबी, डायमंड शिप के लेवल को अचीव करवाया। राहुल वर्मा सेफ शॉप के डायमंड लीडर। लोचनाए दिगंबराए अति विशिष्टम विराट रूपम भोजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मन शिवा। हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाती, हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाती, धरती अंबर गावे है, धर 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 धर